हम लोग कर रहे हैं, और जो बीपीएससी में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 67वीं पीटी पुनर परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है और 1 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो कि किसी किताब में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग की पहली मांग ये है कि जो 9 क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप सुधार कीजिए और हर कैटेगरी में 9 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 53 से 55वीं में ऐसा हुआ था कि 4 क्वेश्चन का आंसर गलत था तो 4 कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया था। पटना हाईकोर्ट का आदेश भी है। तो हम यही मांग पहला कर रहे हैं कि आप 9 नंबर हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए और एक्सपर्ट को बदलिए। आप जो भी आपका एक्सपर्ट टीम है तथाकथित, तो हर बार आंसर गलत दे रहे हैं, तो इसको बदलिए। और हम लोग से सोर्स मांगा जाता है, हम लोग कई बार सोर्स दे चुके हैं कि क्या हमारा सोर्स है आंसर का। अब बीपीएससी के जो तथाकथित एक्सपर्ट टीम है वो अपना सोर्स बताए कि उनका क्या सोर्स है। हम लोग को भी जानने का अधिकार है कि कौन सा सोर्स उनका है। हम लोगों ने भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट, चुनाव आयोग का वेबसाइट, बिपिन चंद्रा की किताब, बीएल ग्रोवर, सतीश चंद्रा और उसके बाद रामशरण शर्मा, ये सब हमने दिया है सोर्स, लेकिन उन लोगों का क्या सोर्स है ये बताए। तो हमारी पहली मांग है कि आप सोर्स बताइए और 9 क्वेश्चन जो गलत आंसर जिसका आपने दिया है उतना कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। दूसरी बात कि रिजल्ट में गड़बड़ी नज़र आ रही है, ये जांच का विषय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। इसमें देखिए कई रोल नंबर है जो सीरियली पास है, आप देख सकते हैं ये गोला घेरा हुआ है, ये सीरियली पास है, आप देख सकते हैं इधर, हाँ ये सीरियली पास है। इसके अलावा जो पीडीएफ है रिजल्ट का उसमें आप देखिए कई रोल नंबर है जो 2-2, 3-3 करके है, जो घेरा हुआ है देखिए लगातार 2-2, 3-3, ये पूरे पीडीएफ में आप देख सकते हैं जो घेरा किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, देखिए हर पीडीएफ में, हर पेज में है, हर पेज में 2-2, 3-3 करके है, देखिए हर पेज में, मैंने हर पेज में ऐसा है। और कुल मिलाकर 350 से 400 ऐसा रोल नंबर है जो सीरियली पास किया कोई 2-2, 3-3। तो ये जांच का विषय बनता कि क्या आरा के जो 300-400 स्टूडेंट्स को 2-3 रूम में एग्जाम दिलाया जा रहा था 8 मई को, जिसके बाद ये उजागर हुआ पेपर लीक वाली बात, तो क्या वही 300-400 लोग जो सेटिंग करा रहे थे उन्हीं लोगों का अलग अलग सेंटर पे 2-2, 3-3 करके तो नहीं बैठा के सेटिंग किया गया है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा पीडीएफ के जो जानकार हैं वो लोग बता रहे हैं कि पीडीएफ में छेड़छाड़ की गई, यानी कि पहले से जो रोल नंबर था ये आपको रिजल्ट में उसमें बाद में छेड़छाड़ किया गया है, एक्सेल में डालने के बाद वो पता चलता है। तो ये पीडीएफ के जानकार लोग बता रहे हैं, मुझे इसमें जानकारी नहीं है, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ओएमआर शीट अपलोड किया गया है उसमें देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 नंबर से फेल हैं और उनका 1 क्वेश्चन में डबल गोला रंग दिया गया है।